नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आज फिर से आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग शब्द रूप भाग 6 पढ़ने वाले हैं। ये शब्द रूप का आज अंतिम भाग है। शब्द रूप का आज अंतिम क्लास है, लेकिन पढ़ने से पहले आप सभी बच्चे ये बता दीजिए कि आवाज़, हमारी आवाज़ और लिखा हुआ आप तक क्लियर पहुंच रहा है तो कमेंट में यस करके हमें बता दीजिए ताकि हम सेटिस्फाइड हो जाएं, है ना? कमेंट करो बाबू। ठीक बाबू, ठीक, क्लियर है ना? ठीक, हाँ। तो आज थोड़ा बात है, सुन लीजिए आप सभी टेंथ क्लास के बच्चे जिसको 2021 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है, सुन लीजिए। आज शब्द रूप का अंतिम भाग है। कल से संधि पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण में कल से संधि विच्छेद पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण में कल से संधि विच्छेद पढ़ेंगे हम लोग, है ना? संधि समाप्त तो हो जाएगा तो उसके बाद समास पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम आपको पढ़ाते जाएंगे और आप पढ़ते जाइए, है ना? तो ये सब तो ग्रामर चल रहा है बाबू, व्याकरण चल रहा है, संस्कृत व्याकरण है। और दो दिन के अंदर में आपके क्लास का, टेंथ क्लास का, दसम वर्ग का किताब हमारे पास आ जाएगा तो फिर हम आपको बता देंगे कि वो किताब आप तक कैसे पहुंचेगा, वो किताब आपके पास कैसे अवेलेबल होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। दो दिन के बाद हमारे पास आ जाएगा, है ना? तो और वो किताब ऑब्जेक्टिव का है और थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, वो हम सब बता देंगे आपको बढ़िया से। आप थोड़ा धैर्य पेशेंस बना के रखिए। और अगर वीडियो जो मैं पढ़ाता हूँ वो ग्रुप में वीडियो डाल देता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ वो वीडियो ग्रुप में मैं डाल देता हूँ, तो अगर हमारा वीडियो आपके व्हाट्सएप में पहुँच रहा है ना, मेरे नंबर से, नंबर तो आप सबको पता ही है, नंबर तो हम बताइए दिए थे, अगर इस नंबर से आपके पास वीडियो जा रहा है तो आप समझ लेना कि आप हमारे ग्रुप में ऐड हैं, टेंथ क्लास के ग्रुप में आप ऐड हैं। और अगर वीडियो नहीं जा रहा है तो आप समझ जाना कि आप ऐड नहीं हैं। ऐड होने के लिए इस नंबर पर अपने आईडी कार्ड के दोनों साइड का फ़ोटो क्लिक करके हमको भेजिए, हम आपको ऐड कर लेंगे। समझ रहे हैं ना? अगर इस नंबर से आप पर वीडियो पहुंच रहा है तो आप समझ जाना आप ग्रुप में ऐड हैं। अगर वीडियो नहीं पहुंच रहा है तो आप समझ जाना ग्रुप में आप ऐड नहीं हैं। ऐड होने के लिए अपने आईडी कार्ड का जो फोटो है, आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, फी पेड किए होंगे तो आईडी कार्ड दिए होंगे तो उसका दोनों साइड का फ़ोटो क्लिक करके इस नंबर पर भेजिए। और सबसे बड़ा बात कि ये नंबर आपको सेव करना पड़ेगा। इस नंबर को जब तक आप सेव नहीं कीजिएगा तो हमारे ग्रुप में हम ऐड भी कर देंगे तो भी आप ऐड नहीं हो पाइएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा।
इसलिए मेरा ये नंबर सेव होना चाहिए। उसके बाद कुछ समय के बाद क्या कर देंगे ना कि जिससे अभी तो समय ऐसा है कि सभी बच्चे हम जो भी पढ़ा रहे हैं तो कोई भी YouTube पर सर्च करता है हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट 2 बजे तो आराम से वीडियो देख लेता, हम जो पढ़ाते हैं उसको पता चल जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद है ना वही बच्चा देख पाएगा जो हमारे ग्रुप में ऐड है, 2 से 4 दिन के बाद वही बच्चा वीडियो देख पाएगा जो हमारे ग्रुप में ऐड है, जिसका पैसा दिया हुआ है। और एक बार हम और बोले होंगे तो कुछ बच्चा दिया, उस बच्चा का बहुत शुक्रगुजार हैं, है ना। कुछ बच्चा फी पेड किया था, सोचा कि चलो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई तो हो ही रहा है, थोड़ा बहुत तो दे देना उचित है, तो कुछ बच्चा दिया है, उस बच्चा का बहुत शुक्रगुजार हम हैं, है ना, कि इस समय में उसने हमारी मदद की, है ना। हम पढ़ा रहे हैं तो उस बच्चा को ऐसा फीलिंग हुआ होगा कि चलो हम पैसा नहीं दिए हैं तो हम दे देते हैं भाई, हम अपना काम कर रहे हैं तो बच्चा सोचा होगा कि हम वो अपना काम कर दे, है ना। तो इस प्रकार से वो बच्चा मदद किया है ना, तो उस बच्चा का हम बहुत शुक्रगुजार हैं बाबू। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अगर आप नहीं दे पाए हैं तो दे करके हमारी मदद कीजिए, हम आपका मदद करेंगे, आप हमारी मदद कीजिए, ठीक है ना। जो कंपटीशन के लिए स्टडी कर रहा है तो संस्कृत व्याकरण कंपटीशन में पूछता है, इसमें हम क्या करें। चलिए ठीक, तो थोड़ा सा आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपना काम कीजिए, है ना, हमारी मदद कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। अब हम कितना मदद कर सकते हैं, जहाँ तक हो पाएगा उतना ही ना मदद करेंगे। हम पढ़ाते रहेंगे, जब तक कोचिंग नहीं खुलता है तब तक तो पढ़ाते ही रहेंगे, जैसे भी हो। किताब आपके पास जब पहुंच जाएगा आप खरीद लीजिएगा, आपको मिल जाएगा किताब, तो उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव भी 10 मिनट 15 मिनट जो भी हो हम रटवाना शुरू कर देंगे, वो भी थोड़ा यहाँ पर काम हो जाएगा। आप किताब लेकर के बैठे हुए रहिएगा, हम इधर से बोलेंगे, आप देखते चल जाइएगा अपना आराम से, है ना, काम बन जाएगा, वो भी काम हो जाएगा आपका। चलिए, कल तक संज्ञा का शब्द रूप हम लोग पढ़े, संज्ञा का, और शब्द रूप याद करने में बच्चों को जो परेशानी होता था शब्द रूप याद करने में बच्चों को जो परेशानी होता था उस परेशानी को हमने एग्जाम के दृष्टिकोण से दूर कर दिया था। एग्जाम के दृष्टिकोण से ट्रिक बनाए, है ना। कल तक आपने देखा भी होगा, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे थे तो कल तक आपने देखा भी होगा, तो हमने ट्रिक बना करके सभी को एकदम कंप्लीट कर दिया था, एकदम बढ़िया से कंप्लीट किया था। आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो वीडियो को, और अच्छा बात है जी कि मतलब एक बार यहाँ पर देख रहे हो, अभी लाइव क्लास देख रहे हो, कुछ समय के बाद YouTube पर वीडियो अपलोड हो जाता है, तो एक बार और देख लिया कीजिए, है ना, एक बार और देख लिया कीजिए, वो आपका भलाई के लिए है। मतलब यूं ही नहीं है, कोई गाना थोड़े है कि सुन लिए कहानी खत्म, नहीं भी सुनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा थोड़े होता है, कोई सिनेमा थोड़े हो रहा चल रहा है, अरे ये तो पढ़ाई हो रही है, अरे ये आपके लिए है, आप देखोगे तो फायदा करेगा, सिनेमा देखोगे क्या फ़ायदा करेगा, इंटरटेनमेंट होगा, इंटरटेनमेंट से थोड़े लाइफ चलने वाला है, हैं, इंटरटेनमेंट से लाइफ चलने वाला है, थोड़े गाना सुन लीजिएगा मोबाइल पर, यूट्यूब पर गाना सुन लीजिएगा वो ठीक है, लेकिन यूट्यूब पर जो पढ़ाई होती है उसको नहीं देखिएगा, ये तो गलत बात है ना, थोड़ा देख लिया कीजिए, है ना, आपकी भलाई के लिए है, नहीं तो माथा कौन खराब करता है। आराम से हम लोग भी सोए हुए रहते, क्या ज़रूरी था पढ़ाना, क्या ज़रूरी था, सुतल रहते आराम से एकदम आयस करते, है ना, आराम रहता। 2 बजे से क्लास रहता है, आधा घंटा पहले ही आकर के सब सेटअप करना पड़ता है, माथा खराब है, ध्यान रहता है। ऑफलाइन क्लास रहता है चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 बजे से क्लास है तो 10 मिनट लेटे जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन है 2 बजे से क्लास है आप पहले जाओ, 15-20 मिनट पहले ही जाओ, नेटवर्क चेक करो सही है कि नहीं, सिस्टम चेक करो सब चल रहा बढ़िया से कि नहीं, और पहले लिख देते हैं, क्यों, इसलिए ताकि समय ज़्यादा बर्बाद ना हो, इसलिए पहले भी लिख देना पड़ता है ना। तो थोड़ा देखा कीजिए आप लोग, आप अपना काम कीजिए, हम लोग अपना काम करते हैं।
लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, वो संज्ञा का शब्द रूप नहीं है, वो शब्द रूप है सर्वनाम का। वो शब्द रूप है सर्वनाम का, और सर्वनाम में भी बहुत सारे शब्द रूप होते हैं। हम आपको मात्र तीन बताएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, जिसमें से दो शब्द रूप यहां पर लिखा हुआ है, एक शब्द रूप इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तीन शब्द रूप आपका इम्पोर्टेंट है सर्वनाम में। सर्वनाम में बाबू तीन शब्द रूप जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। पहला आपका है तत्, तत् माने वह, ये हो गया। दूसरा है युष्मद्, युष्मद् मतलब तुम, मध्यम पुरुष है। और एक है अस्मद्, अस्मद् माने मैं, वो आपका उत्तम पुरुष है, ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष हो गया। और अस्मद् इसके बाद बताऊंगा, अस्मद् तो वो आपका उत्तम पुरुष है। और एग्जाम में इस तीनों से क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन तीनों से आता है, ठीक है ना। जैसे एक पढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन हम आपको बोलते हैं, एक क्वेश्चन उसका जवाब आप सोचिएगा। युष्माकम, युष्माकम का मूल शब्द क्या है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। आपको एग्जाम पास होने के दृष्टिकोण से मैं पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन हमारा है युष्माकम, युष्माकम का मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द आपका क्या है युष्मद्। मूल शब्द आपका क्या है युष्मद्, है ना। कोई अगर पूछ दिया युष्माकम का, युष्माकम क्वेश्चन क्या है, युष्माकम, युष्माकम का मूल शब्द क्या है, तो जवाब होगा युष्मद्, जवाब होगा युष्मद्, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, युष्माकम का विभक्ति एवं वचन बताएं, युष्माकम का विभक्ति एवं वचन बताएं, विभक्ति एवं वचन। तो युष्माकम का विभक्ति यहां पर क्या हो गया, षष्ठी विभक्ति हो गया, षष्ठी विभक्ति हो गया, और वचन आपका हो गया बहुवचन। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब यही सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यह शब्द रूप आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसका कोई ट्रिक नहीं है बाबू, बात पहले बोल देते हैं, कोई ट्रिक नहीं है। दो बार चार बार आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है। लेकिन देखिए यहां पर काम कर गया, कभी कभी ट्रिक काम करेगा। जो ट्रिक हम पहले आपको बता चुका हूं वो ट्रिक, कुछ ट्रिक काम करेगा यहां पर। जैसे आपका तम, तो इसमें देखिए म हलंत है, तो ट्रिक में हमने बताया था कि म हलंत क्या है, द्वितीय एकवचन जो है वो आपका म हलंत है। तो देखिए यहां पर म हलंत है तो द्वितीय एकवचन, तो देखिए ट्रिक काम कर गया, है ना। तो कभी कभी काम करेगा, कभी कभी काम नहीं भी करेगा, है ना। तो एग्जाम में देखिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो सब नहीं आता है, वो जो आता है हम उसको टिक कर देते हैं। एग्जाम में आपका ये तेन आता है जिसको हम डबल टिक कर रहे हैं, है ना। आपका तस्य आता है, और इसमें आपका तेसाम आ सकता है, बहुवचन तो आवेगा नहीं, सॉरी द्विवचन, द्विवचन तो आवेगा नहीं, सो पहले भी हम बता चुके हैं, क्योंकि द्विवचन में ये दो गो मिल गया, ये तीन गो मिल गया, ये दो गो मिल गया। और द्विवचन जो ये वाला है ट्रिक पहले वाला ही है, शब्द रूप भाग दो और शब्द रूप भाग तीन में आप देख सकते हैं, औ भ्याम, दो गो औ, तीन गो भ्याम और दो गो यो, ऐसा ट्रिक है। यहाँ भी है, यहाँ भी देखिए युवाम युवाम है, यहाँ पर दो गो तीन गो भ्याम हो गया, भ्याम अयो दो गो यो,
ये दुगो जो है मिल जाएगा, ये दुगो मिल जाएगा, ये दुगो मिल जाएगा, ये तीन गो मिल जाएगा, ये दो गो मिल जाएगा। दिव वचन से कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में आता नहीं है, ठीक ना। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। तत्, तत् माने वह शब्द है पुलिंग और प्रथम पुरुष है। सहतौते, पढ़े भी होंगे कभी, सहतौते त्वम युवाम युयम अहम आवाम वयम, ठीक ना, पढ़े भी होंगे। तो यहाँ पर देखिए सहतौते, एक बात और, बच्चे ध्यान दे रहे ना, एक बात और बाबू, एक बात और, एक बात और, संबोधन इसमें नहीं होता है, संबोधन इसमें नहीं होता है। सर्वनाम का जो शब्द रूप होता है उसमें संबोधन नहीं होता है, उसमें प्रथमा से लेकर सप्तमी तक ही होता है। तो देखिए पढ़ते हैं, सहतौते तम तौतान, सहतौते तम तौतान। तो तौ जो है दोनों में है, हम ध्यान दीजिए बढ़िया से, कोई ट्रिक नहीं है बाबू, बस याद करना है, याद भी सब नहीं करना है, हम जिसको टिक कर दिए ना वही एग्जाम में आ जाएगा, फालतू एग्जाम में नहीं आ जाएगा। इसमें है तो बहुत सारा शब्द, सत्य इक्कीस गो है, अरे तीन है ना, सत सात इन्हें सात है, तीन सत्य इक्कीस गो है, तो इक्कीस गो में मात्र तीन गो शब्द आवेगा एग्जाम में, जिसको हम टिक कर दिए हैं। आप भी जब कॉपी में लिखिएगा टिक कर दीजिएगा, भाई यही आवेगा, फालतू तो ऐबे नहीं करेगा, ऐबे नहीं किया तो आएगा कुछ, आज तक ऐबे नहीं किया तो आएगा कुछ, ज़्यादातर यही तीन गो आता है, टेन तस्य तेसाम, है ना। तो देखिए इसको पढ़ते हैं, सहतौते तम तौतान, और याद होता है, बशर्ते एक बार में आप दो गो याद कीजिए, प्रथमा द्वितीय रट जाइए, जब देखिए कि प्रथमा द्वितीय हम रट गए तब जाकर के तृतीय बोलिए, जब तक प्रथमा द्वितीय ना याद होवे तृतीय नहीं बोलिए, है ना। हम कोशिश करेंगे आपको याद करवाने का, आप भी थोड़ा सा जिस जगह पर आप हैं वहाँ पर आप बोलने का प्रयास कीजिएगा, सहतौते तम तौतान, याद हो गया भाई, सहतौते तम तौतान, सहतौते तम तौतान, याद हो गया। क्यों भूलेंगे अब इसको, हम बार बार बोलेंगे, बार बार बोलने से याद होता है। मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर को आप बार बार डायल करते हैं ना, वो बिना याद किए हुए याद हो जाता है। आप खुद ऐसा सोचे होंगे, देखे होंगे, जिस मोबाइल नंबर को बार बार डायल करते हैं ऑटोमेटिक याद हो जाता है, जिस चीज़ को हम बार बार पढ़ेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और याद सोचिएगा, हमको याद करना है तो याद नहीं होगा, सोचिएगा हमको पढ़ना है तो याद हो जाएगा। अब ज़बरदस्ती कोई मोबाइल नंबर आप याद करना शुरू कीजिएगा तो माथा खराब हो जाएगा, आराम से उसको डायल करते रहिए, कब याद होगा पता ही नहीं चलेगा। उसी प्रकार से आराम से इसको पढ़ना शुरू कीजिए, कब याद होगा पता भी नहीं चलेगा, याद भी हो जाएगा, टेंशन भी नहीं होगा। सहतौते तम तौतान, तेन ताभ्याम तय, तेन ताभ्याम तय, तेन ताभ्याम तय, तीन वो हो गया। सहतौते तम तौतान, तेन ताभ्याम तय, बस तीन को एक बार में बोल करके स्थिर हो जाइए, फिर बाद में कभी पढ़िएगा। आप घर में बैठ के आराम से लिख लीजिए, तीन को याद कीजिए, रुक जाइए कुछ समय के लिए, आराम कीजिए, जहाँ तहाँ घूम लीजिए, तीन को याद कीजिए, फिर बाद में फिर तीन को याद कर लीजिएगा, हो जाएगा धीरे धीरे। सहतौते तम, सहतौते तम तौतान, है ना, सहतौते तम तौतान। अब आगे बढ़ते हैं, तेन ताभ्याम तय, तेन ताभ्याम तय, तस्मै
ताभ्याम तय, देखिए ये दोनों सब मिल गया, तेन तस्मय, तेन तस्मय, तेन ताभ्याम तय, तस्मय ताभ्याम तय, तेन ताभ्याम तय, तस्मय ताभ्याम तय, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयोः तेषाम, तस्य तयोः तेषाम, तस्मिन् तयोः तेषु, तस्मिन् तयोः तेषु, तो याद होगा आप से बसरते आप आराम से पहले प्रथमा द्वितीय याद कीजिए, फिर तृतीया याद कीजिए, है ना, फिर कुछ समय रुक जाइए, उसके बाद फिर चतुर्थी याद कीजिए, पंचमी याद कीजिए, इस प्रकार से याद हो जाएगा। तो परेशानी होगा बच्चा, चलिए टेंशन लेने का नहीं, क्वेश्चन आपसे बताइएगा, तेन, तेन जो है, तेन का पूछ दिया अगर आपसे क्वेश्चन कि तेन का मूल शब्द क्या है, तेन का मूल शब्द क्या है, तो तेन का मूल शब्द है तत्, यह ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन थोड़ा सा हम एराइज करते हैं, आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, तेन का मूल शब्द क्या है, तत्, फिर तेन का विभक्ति एवं वचन बतावें, तो तृतीया विभक्ति एक वचन, उसी प्रकार से आपका एग्जाम में आ सकता है तस्य, तस्य क्वेश्चन ये अनुवाद में इस प्रकार से आता है, तस्य वाला उसका नाम क्या है, तो क्या बनावेंगे, उसका नाम, तो हो जाएगा तस्य नाम क्या है, किम मने क्या, अस्ति मने है, तब बन जाएगा तस्य नाम किम अस्ति, ऐसा क्वेश्चन होगा, बात सुनते रहेगा थोड़ा सा, तस्य नाम किम अस्ति, उसका नाम क्या है, तस्य नाम किम अस्ति, है ना, तो क्वेश्चन रहेगा कि तस्य में सब मूल शब्द, तस्य का जो है मूल शब्द, विभक्ति और वचन बतावे, तो तस्य, तस्य का मूल शब्द हो गया तत्, विभक्ति हो गया षष्ठी, बालक कस्य पर सेट कर रहा है, तब विभक्ति हो गया षष्ठी और वचन आपका हो गया एक वचन, तो इस प्रकार से आप इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कीजिएगा, तो हो सकता है याद न होवे, तो जिसको हम टिक किए हैं कम से कम उसको ध्यान दीजिएगा बस। सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तय, तस्मय ताभ्याम तय, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषाम, तस्मिन् तयोः तेषु, ठीक है, अब इधर आइए, युष्मद् तुम, मध्यम पुरुष, त्वम् युवाम् युयम्, त्वाम् युवाम् युष्मान्, त्वया युवाभ्याम् युष्माभिः, तुभ्यम् युवाभ्याम् युष्मभ्यम्, त्वत् युवाभ्याम् युष्मत्, तव युवयोः युष्माकम्, त्वयि युवयोः युष्मासु, इस प्रकार से तो लिख दिए हम बाबू, लिखा तो गया बउआ, स्क्रीनशॉट पहले आप लीजिए, तो उसी पर हम आपको अस्मद भी बता देते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर यस कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के यस कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेके यस कर दीजिए,
ठीक। अब देखिए इधर इसको मिटा देते हैं, बस एगो असमत लिखावेंगे काम बन जाएगा। और इधर जिसको हम मिटा रहे हैं ना, उसमें हमने टिक कर दिया है। टिक इसलिए कर दिया कि आप कॉपी में लिख लीजिएगा, हम जानते हैं कि आपसे याद होगा नहीं, परेशानी होगा आपको, तो जिसको हमने टिक किया कम से कम वो याद रहना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम में आता है बाबू। जिसको हमने टिक किया है, डबल टिक जिसको लगाए थे ना, वो एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ भी हम आपको देखिए टिक कर देते हैं, कौन आ सकता है एग्जाम में। इसमें आपका सबसे पहले तो युष्माकम आवेगा, है ना, जो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। त्वया, तब वही है। तृतीया का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, बहुवचन, षष्ठी का एक वचन बहुवचन, ये आता है एग्जाम में। देखिए यहां पर हम लिखते हैं असमद, मने मैं, असमद देखते रहिएगा कैसे लिखते हैं जी। असमद, असमद का मतलब हो गया मैं, असमद मैं, और ये है असमद शब्द है, और ये आपका है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना। इसी पर बनेगा, जैसे यहां पर आपका है त्वम युवाम युयम, तो यहां पर हो जाएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, अहम आवाम वयम। टेंशन मत लीजिए, हम जानते हैं याद नहीं होगा, परेशानी है, जिसको हम टिक किए हैं ना वो कम से कम आपको याद रहना चाहिए, है ना। यहाँ इसी इसी पर बता रहे हैं त्वम युवाम युयम, यहाँ पर यह दीर्घोकार होता है और बाकी सब में यह ह्रस्वकार है। देख लीजिए सब में ह्रस्वकार है लेकिन यहाँ पर दीर्घोकार है। त्वम युवाम युयम, तो यहाँ पर आपका हो गया अहम आवाम वयम, है ना। अरे हाँ ठीक ठीक है। उसके बाद आपका है त्वाम युवाम युष्मान, त्वाम युवाम युष्मान, है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माम, इत्वाम है ना, यहाँ पर हो जाएगा माम, त्वाम के जगह यहाँ पर माम, ध्यान देना ध्यान देना, त्वाम माम, यहाँ पर माम आवाम, वहां पर है युष्मान, तो यहां पर हो जाएगा आसमान, माम आवाम आसमान, है ना। त्वाम, तो यहां हो गया माम, युवाम आवाम, युष्मान आसमान। फिर से बोलते हैं त्वाम माम, त्वाम माम, युवाम आवाम, युष्मान आसमान। अब यहां देखिए त्वाया माया, त्वाया माया, युवाभ्याम आवाभ्याम, युवाभ्याम आवाभ्याम, युष्मा भी अस्मा भी। तो यहां पर देखिए त्वया माया, युवाभ्याम आवाभ्याम, आवाभ्याम, युष्मा भी अस्मा भी, है ना। इस प्रकार से सेट किए ना, तो वाया माया, युवाभ्याम आवाभ्याम, युष्मा भी अस्मा भी। देखिए तुभ्यम मह्यम, ध्यान दीजिएगा, तुभ्यम मह्यम, युवाभ्याम आवाभ्याम, युवाभ्याम
आवाभ्याम युष्मभ्यम अस्मभ्यम युष्मभ्यम अस्मभ्यम ऐसा होगा। तुभियम तमहियम महियम युवाभ्याम, तीन को तो होगा बराबर ना भाई, आवाभ्याम आवाभ्याम और युष्मभ्यम अस्मभ्यम अस्मभ्यम हो गया ना। फिर त्वत् यहाँ पर आपका होगा मत, त्वत् यहाँ पर हो गया मत, देखते रहिए लास्ट है। फिर युवाभ्याम तो यहाँ आवाभ्याम अवाभ्याम हुआ ना, आयुष्मत यहां पर असमत असमत त्वत् तमत् युवाभ्याम अवाभ्याम युष्मत असमत। अब देखिए यहां पर क्या है, तव मम हलंत नहीं पड़ेगा, मम माने मेरा है ना, मम माने मेरा, ध्यान देना बच्चों, मम माने मेरा। युवायो आवायो युवायो आवायो युवायो आवायो युष्माकम अस्माकम, इसमें त्वई तेजमाई युवाय आवाय 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 युवाय आवाय युष्मासु अस्मासु, इस प्रकार से बन गया। अब आप सोचिए एग्जाम में कौन आवेगा, तो एग्जाम में आपका माया इसमें आवेगा, महियम भी आता है जी, याद रखिएगा महियम माने मुझे है ना, महियम माने मुझे, बहुत इम्पोर्टेंट है महियम, महियम बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मम भी इसमें आता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, मम माने मेरा, कभी कभी मई भी आता है, इसलिए हम टिक कर रहे हैं। और इधर तो आपका सिर्फ अस्माकम आवेगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि अस्माकम का मूल शब्द क्या है, कई बार अस्माकम का मूल शब्द क्या है, तो अस्माकम का मूल शब्द क्या है, अस्मद। और क्वेश्चन यह भी आया कि महियम का विभक्ति और वचन बतावे, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन, महियम का मूल शब्द क्या है, अस्मद। इस प्रकार से बाबू आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एक बार हम और पढ़ते हैं, अहम आवाम वयम तत्वम युवाम युयम, इधर हो गया अहम आवाम वयम त्वाम युवाम युष्मान माम आवाम अस्मान त्वया युवाभ्याम युष्मा भी मया आवाभ्याम अस्मा भी तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम महियम आवाभ्याम अस्मभ्यम त्वत् युवाभ्याम युष्मत् मत् अवाभ्याम अस्मत् तव युवयो युष्माकम् मम अवयो अस्माकम् त्वयि युवयो युष्मासु मयि अवयो अस्मासु। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और ज़्यादा आपको तमाशा करने की आवश्यकता नहीं है, कोई ट्रिक फ्रिक काम नहीं करेगा। आप सिर्फ यही काम कीजिएगा कि जिसको हमने टिक किया है, ट्रिक नहीं टिक, वो भी डबल टिक, उसको आप ध्यान रखिएगा, उसको आप ध्यान रखिएगा बढ़िया से बच्चा, उसको आप एकदम याद रख लीजिए क्या है। जैसे मया महियम मम मई, सब का मूल शब्द हो गया अस्मद,
माया, माया तृतीय हो गया, मह्यम चतुर्थी हो गया, मम मन मेरा मतलब षष्ठी हो गया, मई आपका सप्तमी हो गया, और इधर अस्माकम का मूल शब्द अस्मद हो गया, है ना। साफ नहीं दिख रहा था हम कुछ करें, हमको तो साफ दिख रहा है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और अगले दिन जो भी होगा आपको कल से ये संधि विच्छेद शुरू होगा, संधि विच्छेद शुरू होगा बच्चा, है ना। शब्द रूप थोड़ा परेशान करता है, जहाँ तक हमसे हो पाए ट्रिक बनाए, और जहाँ पर देखे परेशानी है वहाँ पर ट्रिक बनाए, हैं, जहाँ पर संज्ञा था तो ट्रिक बनाए, सर्वनाम था तो ट्रिक बनाए, संज्ञा था तो ट्रिक बनाए, सर्वनाम था तो टिक बनाए, तो ट्रिक पर अटिक पर, ट्रिक पर और टिक पर ध्यान दीजिएगा, ट्रिक पर और टिक पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पैसा तो कर गांव में जो है कैसे देगा पैसा, गांव में है वो आकर के दीजिएगा पैसा, है ना। किताब लेने आना आना तो पड़ेगा ना एक दिन, ऐसा थोड़े है, घर में है तो अच्छी बात है, पर एक दिन तो रिस्क उठाना पड़ेगा ना भाई, एक दिन नहीं भी नहीं आइएगा तो कैसे काम चलेगा, घर बैठे बैठे कैसे काम होगा। ठीक है कहियो नहीं आइएगा, पर एक दिन तो आइएगा ना जी, एक दिन आइए। बुक कब मिलेगा सर? मिलेगा तो हम वीडियो बना के अपलोड करेंगे और पढ़ाएंगे, तो हम बता भी देंगे कि बुक आ चुका है, किताब आ चुका है, कब से मिलेगा आपको सब बता दे, बनेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक बच्चा बोला कितना देना पड़ेगा सर? लॉकडाउन ऑफर है, 1000 रुपये दे करके क्लियर हो जाइए, 1000 रुपये दे करके आप निश्चिंत हो जाइए फिलहाल अभी, है ना। कोरोना है, कोरोना तो अरे कोरोना है, उषा कुमारी सिन्हा कोरोना है, कोरोना है तो का है, हैं, बच के रहो, मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो हाथ, सुरक्षित रहो। वो सब बता देंगे बाबू, कितना बजाना है जो सब बता देंगे हम, कब आना है वही बता देंगे, टेंशन आपको लेवे की आवश्यकता नहीं है, कब आना है हम वो भी आपको बता देंगे, किताब आने के बाद हम सब कुछ बता देंगे। और वो किताब आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये या आप याद रखिएगा, है ना। हम भी खुद बैठ करके इस लॉकडाउन में बड़ी मेहनत किए हैं उस किताब को बनाने के लिए, हाथ से लिख के टाइप करवाएं, जहाँ पर गलती है उसको सुधरवाएं, सब कुछ हम ओके डन किए एकदम, है ना। इसलिए आपको सब बता दे बल जाएगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लॉकडाउन ऑफर 1000 बोल रहे हैं, तब उसके बाद देखल जाएगा क्या होगा कि नहीं होगा जी। रूम पे आईडी कार्ड है तो रूम पे है तो रूम से निकालिए, आप कहीं भी हैं एक दिन आपको आना पड़ेगा, सीधा सीधे समझ जाइए। बाकी विशेष कहानी कल होगा, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद। बाकी परेशानी होगा कॉल करके हमसे बात कर लीजिएगा, नंबर है ना, कॉल करके बात कीजिएगा, ठीक। नमस्कार, जय हिंद, चलो।